मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल के नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बारे में ओपन स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दैनिक भास्कर .com को बताया। सर, ये प्रक्रिया कब से शुरू हुई है और अभी आखिरी तारीख अपन ने क्या निर्धारित की? ये जो है 1 नवंबर से हमने जो है नए सत्र के प्रवेश प्रारंभ करा दिया है और ये प्रवेश जो है MP ऑनलाइन के माध्यम से ही करा रहे हैं। थोड़ा सा इसमें हमने जो है परिवर्तन ये किया है कि पहले क्या होता था कि जो मैनुअल फॉर्म जो फॉरवर्ड कराया जाता था यहाँ के लिए राज्य ओपन के लिए, तो अध्ययन केंद्र प्रभारी को ये पता नहीं रहता था कि कितने फॉर्म भर गए और कितने फॉर्म को फॉरवर्ड करना है। इस बार हमने ये प्रक्रिया अडॉप्ट कराया है कि बच्चा जो है हमारे राज्य ओपन के वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके भरेगा और ले जाकर के वेरीफाई कराएगा जाकर के अध्ययन केंद्र पर, ताकि गलतियां ना हो, क्योंकि पहले गलतियां भी खूब होती थी। जी जी। तो उसको वेरीफाई कराने के बाद MP ऑनलाइन के कियोस्क पर जाएगा और वहां जो है फिर फॉर्म भरने के बाद पूरी तरह परीक्षण कर ले कि गलती नहीं है, तब फीस जमा करेगा वो। यह प्रक्रिया जो है चलेगी 30 नवंबर तक अभी निर्धारित है। अगर कहीं क्षेत्र से अथवा कहीं से इस तरह के अगर डिमांड आता है, विद्यार्थियों की मांग पर बढ़ाई जा सकेगी, हाँ, ये छात्रों के हित में जी जो है ये तिथि बढ़ाई भी जा सकती है, परंतु अभी जो है 30 नवंबर तक तिथि नियत की गई है। धन्यवाद।